नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। अयोध्या को मिलेगा दीपावली का गिफ्ट। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या को दीपावली का गिफ्ट मिलने जा रहा है। आपको बताते चले कि लोकार्पित होंगी 4000 करोड़ की परियोजनाएं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या दीप उत्सव पर अयोध्या को मिलने वाला है दीपावली गिफ्ट। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दीपावली पर लोकार्पित होंगी 4000 करोड़ की परियोजनाएं। बता दें आपको कि 4000 करोड़ की कुल 66 परियोजनाओं का दीप उत्सव में होंगे लोकार्पित। इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश वारसी, लोकार्पित होने जा रही 4000 करोड़ की परियोजनाएं, क्या अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या में दिवाली को लेकर के भव्य उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है, और कोरोना के चलते ये महोत्सव नहीं हो पाया था, और हुआ भी था तो धीमी स्थिति में हुआ था। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 66 करोड़ परियोजनाओं का इसमें गिफ्ट देने जा रही है। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के दिवाली से उत्तर प्रदेश निवासियों को पहला गिफ्ट है जो मिलने जा रहा है, और ये 66 परियोजनाओं का गिफ्ट है। ये जानकारी मिल रही है, जैसे कि 4000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं इसमें शामिल होंगी, और 66 परियोजनाएं दीपोत्सव में लोकार्पित होंगी। ये दीपोत्सव पर अयोध्या को दिवाली का गिफ्ट मिलने जा रहा है। अयोध्या निवासियों को मिलेगा या उत्तर प्रदेश निवासियों को, इसमें थोड़ा सा खाली विलंब है, और उसके बाद इसकी साफ हो जाएगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं मिलेंगी या केवल अयोध्या के लिए। लेकिन दिवाली में जो भी गिफ्ट मिलने वाला है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सबसे खुशी की खबर है। जी, लोगों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है इस दीपावली गिफ्ट को लेकर? देखिए, अभी लोगों को जानकारी चूंकि अधूरी ही मिल पाई है, इस वजह से लोग अभी असमंजस में हैं, क्योंकि इसकी स्थिति जब ही साफ हो पाएगी, जब दीपोत्सव को लेकर के जो प्रोग्राम बनेंगे उसमें उत्तर प्रदेश की, अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश को मिलता है तो उत्तर प्रदेश के निवासी जाहिर है इसमें खुशी जताएंगे, ये उनके लिए एक खुशखबरी है। और अगर अयोध्या वालियों के लिए मिलते हैं तो अयोध्या वालियों के लिए खुशखबरी है। इसको लेकर के थोड़ी देर, कुछ ही दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि शाम तक या कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो एक और खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि छात्राओं को मिलेगी सेल्फ सेंटर की सुविधा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर छात्राओं को सेल्फ सेंटर की सुविधा दी जाएगी, और इसके साथ ही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को ही लेकर बोर्ड द्वारा फैसला लिया गया है कि अगर 2023 में बोर्ड की परीक्षाओं का सेंटर जिस स्कूल में पड़ेगा उस स्कूल की छात्राएं उसी स्कूल में एग्जाम देंगी, यानी कि यूपी में अब छात्राओं को सेल्फ सेंटर की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। और जिन स्कूलों का सेंटर नहीं पड़ा है उस स्कूल का सेंटर 5 किलोमीटर में ही होगा। और यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी किया गया है, और वहीं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2023 में मार्च के महीने में ही आयोजित कराई जाएंगी, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हैं वो 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी। तो आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर परीक्षाएं जो हैं उसी सेंटर में कराई जाएंगी जहां पर एग्जाम होने हैं। और इसके साथ ही जानकारी आपको दे दें कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाओं को लेकर द्वारा जो उसका बड़ा फैसला लिया गया है कि 2023 में ही बोर्ड की परीक्षाओं का सेंटर जो है जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में, मुमकिन होगा तो उसी स्कूल में करेंगे, नहीं तो आसपास ही की जाएगी। और इसके साथ ही स्कूल की जो छात्राएं हैं उसी स्कूल में एग्ज़ाम देंगी, यानी कि यूपी बोर्ड में जो यूपी है अब उसमें ही अब छात्राओं को सेल्फ सेंटर की सुविधा प्रदान जो है वो की जाएगी। और जिन स्कूलों का सेंटर नहीं पड़ा है उस स्कूल का सेंटर 5 किलोमीटर में ही होगा। और यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है, और यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बात कर रहे हैं हम, जहां पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2023 में ही मार्च के महीने में आयोजित कराई जाएंगी, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो है वो 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी तक आयोजित कराई जाएंगी।
इसी खबर पर हमारे साथ दानिश जुड़े हुए हैं। दानिश, यूपी बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, अभी की क्या अपडेट है? देखिए, छात्राओं के लिए ये बेहद ही खुशी की खबर भी है और उनकी सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश में कि जो छात्राएं हैं तो घटनाएं उनके साथ होती थी उसको लेकर के ये सरकार की बहुत ही बड़ी पहल है और ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत भी है। और छात्राओं को अब चूंकि सेल्फ सेंटर मिलेगा, यानी कि उनको कहीं बाहर नहीं जाना है, उनको अब इस समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा और उनकी एग्जाम भी शायद पहले से बेहतर होंगे। और रिजल्ट के मामले में छात्राएं हमेशा अव्वल रही है, इस बार मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। लेकिन ये सुविधा छात्रों को नहीं मिल पाई है, ये भी एक पहल होनी चाहिए थी। और 2023 में जो सेंटर बनेंगे, अगर किसी को सेंटर नहीं मिल पा रहे, किसी कॉलेज द्वारा सेंटर आसपास नहीं बनाए गए हैं उसी स्थान पर, तो 5 किलोमीटर की रेंज में सेंटर बनाए जाएंगे, उसमें छात्राएं वहां पर अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो ये छात्राओं के लिए पहल की गई है, इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी और जो क्रिमिनल ऑफेंस होते थे उस पर भी रोक कहीं ना कहीं लगेगी, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता था कि तमाम तरीके की घटनाएं छात्राओं के साथ होती थी। उसको लेकर के सरकार ने पहल दिखाई है, गंभीरता दिखाई है। उत्तर प्रदेश की ये सरकार की ये पहल काफी अच्छी पहल है, जिससे छात्राओं में एक उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ साथ उनको सेफ्टी की फीलिंग्स भी आएगी और सुरक्षा के साथ साथ वो अपनी परीक्षा भी दे सकेंगे, जिसको लेकर के ये एक अच्छा प्रयास किया गया। मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो इस बार 2023 की परीक्षा होगी, शायद 2022 से भी बेहतर रिजल्ट इस बार छात्राओं का यूपी बोर्ड में रहेगा। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले छात्राएं जो थी उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, दूर दराज जाना पड़ता था और दुर्घटनाएं भी लगातार होती थी, जैसा कि सुनने में भी आता था। उसके बाद अब परिजनों में भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर होगी कि जो बच्चे हैं वो यहीं आसपास ही एग्जाम देंगे, इसको लेकर परिजन भी खुश नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए कि परिजन इस बात पर बेहद चिंतित रहते थे कि उनकी पढ़ाई का भी प्रेशर है और दूसरी चीज उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का भी प्रेशर है, क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन हादसों का पर रोक मुझे लगता नहीं कि अंकुश लग पाता है। हादसे ना तो बताकर आते हैं और ना ही उनकी जानकारी पहले से हो पाती है, जिसको लेकर के सरकार ने एक अच्छी पहल की है और छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के साथ उनकी जीवन सुरक्षा से जुड़े हुए संबंधों को ख्याल में रखते हुए इस परीक्षा केंद्र का निर्देश जारी किया गया है, जो शायद 2023 में देखने को मिलेगा। और छात्राओं के साथ साथ जो परिजन है, उनके परिवार वाले, वो इस बात को लेकर के भी सेटिस्फाइड होंगे कि उनके जो बच्चियां हैं वो चाहे तो पढ़ने में भी अच्छा रिजल्ट आएंगे, दूसरी चीज उनकी जो सेफ्टी पर्पज को लेकर के सरकार ने कदम उठाए, ये उनके लिए राहत भरी खबर है, जिसको लेकर के वो चिंतित होते थे। तो प्रेशराइज में अक्सर पढ़ाई में प्रेशराइज होने पर पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता था, जिसको लेकर के सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। मुझे लगता है कि अब छात्राओं के साथ साथ परिवार वालों को भी बेहद खुशी की लहर है और वो इस बात से लेकर के बेफिक्र होंगे कि शायद आप सेंटर जो उनके आस पास की जगह पर है, जिस तरीके से बच्चे रोज कॉलेज में आस पास के कॉलेज में बच्चे जाते रहते हैं, उसी तरीके का एग्जाम देने भी वो जा सकते हैं। जय दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर छात्राओं को सेल्फ सेंटर की सुविधा दी जा रही है। इससे परिजन और छात्र छात्राएं भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो परिजन है लगातार दुर्घटना होने की खबरें जो थी उससे लगातार परेशान थे और छात्राओं के साथ कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती थी कि छात्राएं जो हैं अगर जा रही हैं तो उनके साथ दुर्घटना कोई हो जाए, इससे परिजन जो थे वो चिंतित लगातार नजर आते थे। लेकिन अब उनके लिए जो सेल्फ सेंटर की सुविधा दी गई है उससे परिजन और छात्राएं काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का जो शेड्यूल है उसे जारी कर दिया गया है और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं 2023 में मार्च के महीने में आयोजित कराई जाएंगी। ये विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है जिन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम देना है। इसके साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हैं वो 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी। तो आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी में बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सेल्फ सेंटर की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई है और इसके साथ ही परिजन जो है काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर ही बोर्ड द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। अगर 2023 में बोर्ड की परीक्षाओं का सेंटर जिस स्कूल में पढ़ेगा बच्चा उसी सेंटर में उसी स्कूल में किया जाएगा और उस स्कूल की जो छात्राएं हैं उसी स्कूल में एग्जाम भी देंगी, यानी कि यूपी में अब छात्राओं को सेल्फ सेंटर की सुविधा मिलने वाली है। और जिन स्कूलों का सेंटर नहीं पड़ा उस स्कूल का सेंटर 5 किलोमीटर में ही
आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि उसी 5 किलोमीटर में ही होगा और यूपी बोर्ड द्वारा ही परीक्षाओं को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं को लेकर ही परीक्षाओं को जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2023 में मार्च के महीने में ही आयोजित कराई जाएंगी। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रैक्टिकल जो परीक्षाएं होंगी वो 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर बद्रीनाथ से खबर आ रही है सामने, जहां पर बद्रीनाथ आपको बता दें कि खबर है जहां से बद्री नारायण मंदिर में ही पीएम मोदी ने दर्शन किया है। और इसके साथ ही आज रात बद्रीनाथ में ही विश्राम भी करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है और इससे पहले उन्होंने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री केदारनाथ से सेना के हेलीकॉप्टर से ही बद्रीनाथ पहुंचे थे और बद्रीनाथ में ही प्रधानमंत्री कुर्ता और पजामा के ऊपर ही काले रंग की जैकेट पहने हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन भी किया है और प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। और प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में बैठकर पूजा अर्चना भी की है। वो मंदिर में आधे घंटे से ज़्यादा का समय तक रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर में ही आरती में भी शामिल हुए। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें प्रसाद के रूप में चुनरी ओढ़ाई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रीम कलर की ही हिमाचली चोल डोरा ड्रेस और हिमाचली टोपी लगाए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के मंदिर तक जाने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने मंदिर के ही गर्भगृह में बैठकर ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 20 मिनट तक केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया है। इस दौरान उन्होंने मंदिर के पुजारियों मंत्रोच्चार करते रहे हैं और मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री को चादर ओढ़ाई है, फूल दिया है और मंदिर से निकलकर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को अभिवादन किया। और पीएम के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे। और केदारनाथ मंदिर से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर के पास में मौजूद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर भी गए। वहाँ उन्होंने शंकराचार्य की प्रतिमा की परिक्रमा भी की है और इस 12 फीट ऊंची और करीब 28 टन वजनी इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही किया था। तो इसी पूरी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष गौड़, जिस तरह से प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे और पूजा अर्चना की है, अभी के क्या हालात है वहाँ? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि लगभग छठी बार पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे थे और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये था उसके ही अनुसार जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो समय पर केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने लगभग 30 मिनट तक मंदिर के जो प्रांगण है उसमें पूजा अर्चना की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिस गर्भगृह में हमेशा से ही पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आते थे, उस गर्भगृह में 30 मिनट की उन्होंने पूजा अर्चना की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस तरीके से कार्यक्रम निर्धारित था उसी तरीके से सभी कार्यक्रमों को भी कराया गया। इसके साथ ही एक बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी है और खासतौर से केदारनाथ वैली को दी है। ये कहा जा सकता है कि केदारनाथ क्षेत्र में रोपवे की व्यवस्था पीएम नरेंद्र मोदी ने की है और लगभग अब जो यात्री पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम के लिए पहुंचते थे उन लोगों को अब आसानी हो जाएगी। वो अब ये कहा जा सकता है कि रोपवे के जरिए उन क्षेत्रों में पहुंचेंगे जिन क्षेत्रों में अभी तक लोग पैदल यात्रा करके पहुंचते थे, यानी कि केदारनाथ धाम के उस प्रांगण तक पहुंचेंगे जिस प्रांगण में लोग पैदल चलकर आते थे, हेली सर्विस के जरिए आते थे, कंडी के जरिए आते थे, घोड़े खच्चर में आते थे। अब उन लोगों को एक सहूलियत मिल जाएगी कि जो लगभग 18-20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है वो रोपवे के जरिए केवल
लगभग 10 किलोमीटर के आसपास की हो जाएगी और आसानी से गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग रोपवे के जरिए अब केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बड़ी सौगात केदारनाथ वैली को दी गई है। और इसके साथ ही एक बड़ी चीज ये भी है कि जो वहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनको ये कहा जा सकता है कि सहानुभूति देते हुए और उनकी जिस तरीके से उनके बेहतर कार्य है, उन कार्यों की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके साथ ही आदि शंकराचार्य की जो समाधि केदारनाथ धाम में बनाई गई है, उसके कार्यों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने देखा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सभी चीजों के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे और साथ ही उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं और मुख्य सचिव हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन बड़ी चीज यह है कि केदारनाथ धाम में लगभग छठवीं बार पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बड़ी सौगात जब से वो पीएम बने हैं उसके बाद से केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। और जब भी वो केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर कुछ न कहीं कुछ सौगात वो जरूर केदारनाथ और उत्तराखंड को देकर जाते हैं। जी जी, उत्तराखंड में लोगों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में लोगों को काफी खुशी नजर आती है जब भी पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी पीएम का उत्तराखंड दौरा होता है तो स्थानीय लोगों में भी खुशी नजर आती है, और क्योंकि उस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, वो लोग उनसे मिलने की चाह रखते हैं, तो वो इस समय पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जरूर पहुंचते हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं दूरी जरूर बनाई जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बहुत अधिक लगाव है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि केदारनाथ धाम से उनका बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि साल 2013 जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, उस समय भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि वो खुद केदारनाथ वैली को बसाना चाहते हैं। और उसके लिए क्योंकि सरकार प्रदेश में कांग्रेस की थी, तो उनसे भी उन्होंने अपील की थी कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण का सारे काम मेरे कंधों पर दिया जाए। और तब से लेकर अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी लगातार केदारनाथ धाम पहुंचते भी आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज की उन क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सौगात वो देते हुए नजर आए जिससे ना केवल केदारनाथ जाने में यात्रियों को सुगमता हो, बल्कि जिस तरीके से आपदा के बाद केदारनाथ की तस्वीर बदल गई थी, उसको सुधारने में कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यही वजह है कि रिकॉर्ड तोड़ जो यात्री हैं वो केदारनाथ धाम में अब 2013 के बाद से लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, खबर है कि बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज बद्रीनाथ धाम नहीं बल्कि दिल्ली के लिए ही दोपहर में रवाना हो जाएंगे। अभी तक की जो सूचना ये मिल रही है कि कुल मिलाकर के जो क्षेत्र है, यानी कि जो माणा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी पीएम नरेंद्र मोदी को पहुंचना था, शिलान्यास करना था और रात्रि विश्राम भी करना था। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि मौसम साफ होने के चलते पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर में ही वापस दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं, यानी कि जो रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम स्थगित किया जा सकता है और शायद कुछ समय बाद पीएम नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद, विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद और कुछ शिलान्यास करने के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी जी सुभाष, जिस तरह से प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो केदारनाथ वहां पर रुकने वाले हैं या नहीं रुकने वाले बद्रीनाथ में, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और इसी के साथ ही अगर उनके पहनावे की बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो कुर्ता पजामा के ऊपर काले रंग की उन्होंने जैकेट पहने हुए नजर आए थे, तो वो अलग ही लुक नजर आ रहा था और इसके साथ ही लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो उनके पहनावे पे खास तौर से सभी की नजर रहती है। और यही इस बार भी देखने को मिला, जब वो केदारनाथ धाम पहुंचे तो उन्होंने एक अलग ही प्रकार की ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि जो वेशभूषा थी वो पूरी हिमाचली टोपी के साथ तमाम ये कहा जा सकता है कि जो उनकी ड्रेस थे उसमें स्वास्तिक बनाए गए थे और अध्यात्म के तौर पर एक महत्वपूर्ण ड्रेस के तौर पर वो केदारनाथ धाम भी पहुंचे थे। और जैसे ही बद्रीनाथ धाम वो बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो जो उनके कपड़ों की ड्रेस थी वो बिल्कुल बदली हुई थी, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कुर्ते पैजामे के ऊपर एक जैकेट डालकर वो मंदिर में पहुंचे थे और पूजा अर्चना उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भी की थी। लेकिन पहनावे की अगर बात की जाए तो जब भी प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचते हैं तो उनकी वेशभूषा पर खास नजर
सभी लोगों की रहती है, चाहे वो प्रदेश के हों, नेताओं के हों, या फिर ये कहा जा सकता है कि अन्य तमाम विपक्षी दल भी उनके पहनावे को लेकर कई बार टिप्पणियां करते हुए भी नजर आते हैं। और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की खासियत भी है कि पहनावे को लेकर कहीं ना कहीं वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं और लोगों से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 मिनट तक केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया है और इस दौरान मंदिर के पुजारी मंत्रोच्चार करते रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री को चादर ओढ़ाई है और फूल दिया है। मंदिर से निकलने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।